सब लेके आऊंगी चाचा। तो मैं और मम्मी है, पापा आगे चले गए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। काला कल
बैंकशा भी कहते हैं इसे, शुगुल्ला, और ये तो बहुत सरसोमेस जो कि मोस्ट रेडी प्रोडक्ट है होना ही चाहिए। और साथ में ये स्वीट दही स्वीट कर्ड मिस्टर रूम करता है, तो ये सब कंपलसरी है फूड्स में आना। तो अभी जा रही हूँ, पहले मैं गर्मी भी है, तो शाम का चाय नाश्ता सबका हो चुका है और मैं गई थी थोड़ा सा अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लाइक जैसे कि आप लोगों को बताया, मेरे फ्रेंड है बाबा या मेरे सिस्टर बाबी है, तो फ्लैट की ही सारी लड़कियां हैं, तो बहुत टाइम से मैंने टाइम नहीं फिर कैसे शाम हो गई बारे में।
कंफर्टेबल रिलीफ फील हो रहा है। जी मैं आप लोगों से चेंज करने के बाद थोड़ा मैं रिलीफ हो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ, तो बातें तो होती रहेंगी और कपिल नगर आप लोगों के साथ तो फिर लगता ही नहीं कि दिन जा रहा है। तो मिलते हैं। मैं जा रही हूँ किचन में और मुझे बनानी है मेरे आम की चटनी, क्योंकि बहुत सारा काम अभी बाकी है और मेरे किचन की जो हालत है मैं आपको दिखाऊँ, पूरी गंदगी फैल रखी थी, सबको मुझे क्लीन करना है, उसके बाद मैं जाऊँगी और काम करूँगी अपना। रोटी भी नहीं बनी है मोस्टली, तो मुझे रोटी भी बनानी है, तो चलिए मैं फटाफट से मेरे काम को स्टार्ट करती हूँ। मुझे मेरे किचन का काम तो चलता रहेगा और मेरे काम भी होते रहेंगे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है रोटी बनेगी, चटनी बनेगी और बहुत सारे काम करते रहेंगे। तो इधर पे चाय रखी हुई है, तो फिलहाल मुझे इसको गर्म करके पीना है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा दर्द है और सुबह सुबह से ही मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, इतने सारे काम थे ना कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और मुझे रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिला था। तो आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा ही हेडेक मुझे फील हो रही थी, तो गेस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं तो मुझे मौका मिला कि मैं थोड़ा रिलैक्स करूँ और आप लोगों से मैं बातें करूँ। उसमें कभी कभी ऐसा दिन हो जाता है ना कि लगता ही नहीं कि आप कुकिंग करो या कुछ भी, और कभी कभी ऐसा मूड रहता है कि आपको बहुत सारी कुकिंग करने का मन करता है। तो आज पता नहीं क्यों सुबह से ही मैं इतना ज़्यादा बिजी थी और कुकिंग के ऊपर फिर से मुझे कुकिंग करनी पड़ी, डबल मुझे लंच बनाना पड़ा क्योंकि गेस्ट ऐसे होते कभी कभी बिना बताए आ जाते हैं और उस टाइम पे आप कुछ कर दो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो फिर भी गेस्ट है करना पड़ता है। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट थी, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुकिंग करने का। तो सिस्टर से रोटी बनाएगी पर चटनी जो है वो मुझे ही बनानी पड़ेगी, तो जाऊँगी अभी मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। मैं और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मेरे वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़्यादा तो देखें और शेयर करें। तो गुड नाइट, टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। बोरे मेरे पापा की गलती, बदमाशी, कपड़े वहीं पर रखेंगे वो, तो टाटा।